आज हम एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग ये लेसन सीखेंगे। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ह्यूज एनिमल्स कॉल्ड डायनासोर्स रोम द अर्थ। लाखों साल पहले डायनासोरस नामक विशाल जानवर धरती पर घूमते थे। नाउ देर आर नो डायनासोरस। अभी धरती पर डायनासोरस नहीं है। डू यू नो व्हाई? आपको मालूम है कि अभी धरती पर डायनासोरस क्यों नहीं है? Some scientists believe this happened due to a sudden change in the Earth's climate. Scientist यानी वैज्ञानिक। Scientist का मानना है अचानक हुए बदलाव से धरती पर डायनासोरस नहीं रहे। They believe that it became very cold and the dinosaurs could not adjust to the cold condition and died. Scientist का मानना है कि धरती पर अचानक ठंड आने से डायनासोरस ठंड को एडजस्ट न कर सकने के वजह से मर गए। In the natural world, a plant or an animal adapts or change itself to suit its surrounding. Natural world यानी प्राकृतिक दुनिया। Natural world के अंदर plant हो या animal हो, वो खुद को surrounding के अनुरूप बदल लेता है। This happens over hundreds and thousands of years. ये हजारों साल से होता रहा है। The process of changing to suit the surrounding is called adaptation. पर्यावरण के अनुरूप बदलने की क्रिया को एडेप्टेशन कहते हैं। लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू एडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग सर्वाइव, दोज दैट कैन नॉट एडेप्ट डाई। लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीजें। लिविंग थिंग्स जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदलते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो जीवित चीजें अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप बदल नहीं सकती वो मर जाते हैं। एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए अनुकूलन। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जानवर का प्राकृतिक घर उसका निवास स्थान है। एनिमल्स कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। एनिमल्स को अपने निवास स्थान के अनुसार ग्रुप किया जा सकता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब स्थलीय जानवर। जो जानवर जमीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। Animals like horses, lions and camel live on land. They are called terrestrial animals. कौन से जानवर को terrestrial animal कहते हैं? जो जानवर जमीन पर रहते हैं उन्हें terrestrial animal कहते हैं। कौन से जानवर है वो? Horses, lions, camels. They live on land, so they are called terrestrial animals. Such animals have legs to move and lungs to breathe. उनको legs movement के लिए होते हैं, चलने के लिए होते हैं, और lungs क्या के लिए होते हैं? Breathing के लिए होते हैं। They have a well-developed sense organ and a nervous system in order to sense the changes in their surrounding. Surrounding में होने वाले changes समझने के लिए उनके sense organ और nervous system अच्छी तरह विकसित होते हैं। Animals like snakes do not have legs. They have plates or scales that help them to crawl. सांप ऐसा जानवर है कि उसे पैर नहीं होते हैं, उन्हें plates या scales होते हैं जो उन्हें क्रॉलिंग में मदद करते हैं। क्रॉलिंग यानी रेंगना। एनिमल लाइक पोलर बियर्स एंड आर्टिक फॉक्सेस लिव इन द कोल्ड रीजन्स। दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। कोल्ड रीजन में कौन से जानवर रहते हैं? कोल्ड रीजन में पोलर बियर, आर्टिक फॉक्सेस ये जानवर रहते हैं। ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर क्या होता है? फर होता है जो उन्हें ठंड से बचाता है, उन्हें गर्म रखता है ठंड के दिनों में। They have fat under the skin to be used as food in winter. Fat यानी चर्बी। उनके skin के नीचे fat होता है जो कि ठंड के दिनों में ये जानवर food के रूप में इस्तेमाल करते हैं। Some animals like lizards and frogs sleep for several months to protect themselves from the cold. Lizard मतलब क्या होता है? चिपकली। और frog मतलब मेंढक। चिपकली और मेंढक ऐसे जानवर होते हैं जो कई महीने तक सोते रहते हैं। क्यों सोते हैं वो? वो ठंड से बचने के लिए कई महीने तक सोते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इस क्रिया को हाइबरनेशन कहते हैं। बताओ हाइबरनेशन किसे कहते हैं? जो जानवर कई महीने तक अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सोते हैं उसे हाइबरनेशन कहते हैं। द स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल इज थिक एंड नॉट वेरी हेयरी। रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों की स्किन कैसी होती है? थिक होती है। थिक यानी घनी। थिक यानी घनी। एंड नॉट वेरी हेरी मतलब उनके स्किन पर ज़्यादा बाल नहीं होते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ऐसी स्किन उन्हें
सूरज की गर्मी से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिश, स्नेल, टर्टल एंड क्रैब्स आर सम एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल कौन कौन से हैं? फिश यानी मछली, स्नेल्स, टर्टल्स यानी कछुआ, स्नेल्स यानी घोंगे एंड क्रैब्स, क्रैब्स यानी केकड़े। ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये पानी में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले जानवर हैं। सच एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स सूटेड फॉर स्विमिंग इन वाटर। ऐसे जानवर को क्या रहता है? फिन्स रहते हैं या लिम्स रहते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग करने के लिए मदद होती है उनसे। The web feet of a duck and a paddle-like limb of a turtle helps them to push back water while swimming. Duck को swimming में swimming करने में web feet से मदद होती है और turtle को paddle-like limbs होते हैं जो कि swimming करते वक्त पानी पीछे ढकलने में उनकी मदद करते हैं। Fish and crabs have gills that help them to breathe in water. मछली और केकड़े को gills होते हैं जो उन्हें पानी में ब्रीदिंग करने के लिए हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग यानी सांस लेने में मदद करते हैं। अभी हम कुछ जानवरों के फिगर देखेंगे, आपको बताना है वो कौन से जानवर हैं, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। दिस इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल। जमीन पर घूमने वाले जानवरों को टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? ये पोलर बियर है। The fur on the skin of a polar bear keeps it warm and helps it live in cold areas. ये जानवर ठंडे प्रदेश में रहता है। ठंड से बचने के लिए उसकी स्किन कैसी है? उसके स्किन के ऊपर फर है। इस फर के वजह से वह अपने आप को गर्म रखता है। ये रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है। कैसी स्किन होती है इसकी? इसकी स्किन थिक होती है। उसकी स्किन थिक यानी घनी होती है एंड स्किन इज लेस एयरी यानी उसके ऊपर कम बाल होते हैं जो उसे सूरज की गर्मी से बचाती है। रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है तो उससे उस गर्मी से बचाती है। द पैडल लाइक लिम्स ऑफ टर्टल हेल्प्स इट टू स्विम। टर्टल के लिम्स कैसे होते हैं? पैडल जैसे होते हैं जो उसे स्विमिंग करने में मदद करते हैं। द गिल्स इन अ क्रैब हेल्प इट टू ब्रीथ इन वाटर। क्रैब्स को क्या होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए? गिल्स होते हैं जो उसे पानी में ब्रीदिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फीबियंस। एम्फीबियन मतलब जो जानवर पानी और जमीन पर रहते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। जो जानवर दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। Some amphibians are frog, toad, salamanders and newts. They have limbs that help them in swimming. कुछ amphibian जानवर जैसे कि frog, toad, salamanders and newts, उनको limbs होते हैं जो कि उन्हें swimming करने में help करते हैं। This is a toad, this is a frog and this is a salamander. इन सभी को limbs होते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग करने में उसकी मदद होते करते हैं। दे हैव मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर एंड लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। ये जानवर पानी में ब्रीदिंग किस चीज़ से करते हैं? पानी में ये जानवर मॉइस्ट स्किन से ब्रीदिंग करते हैं और ज़मीन पर लंग्स से ये जानवर ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। उड़ने वाले जानवरों को एरियल एनिमल्स कहते हैं। हवाई जानवर को एरियल एनिमल्स कहते हैं। दीज एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई। उड़ने के लिए उन्हें क्या होता है? उन्हें पंख होते हैं। मोस्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। अधिकांश पक्षी और कीटक उड़ सकते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई। बैट्स एक अकेला मैमल्स है जो कि उड़ सकता है। एनिमल्स विच फ्लाई हैव अ लाइट बॉडी बिकॉज ऑफ लाइट बोन्स एंड फीदर्स। उड़ने वाले जानवरों की बॉडी कैसी होती है? लाइट बॉडी होती है। उनके बोन्स भी लाइट होते हैं और फीदर्स भी लाइट होते हैं। लाइट यानी हल्के होते हैं। द बॉडी ऑफ फ्लाइंग एनिमल इज बोट शेप सो दैट इट कैन ईजिली कट थ्रू द एयर। हवाई जानवरों की बॉडी कैसी होती है? बोट शेप जैसी होती है। उनका शेप बोट जैसा होता है जिसकी वजह से वो आसानी से हवा को काटते हुए आगे निकलते हैं।
दिस इज अ फिगर ऑफ स्वेलो एंड बैट. उनकी बॉडी कैसी है? बोट शेप जैसी है. दिस इज अ फिगर ऑफ काइट. और नेक्स्ट वाला गूज है. ये सब क्या है? एरियल एनिमल्स है. इन सबको विंग्स है, उड़ने के लिए उन्हें विंग्स है सबको. सो एरियल एनिमल्स हैव विंग्स टू फ्लाई. सब एरियल एनिमल्स को विंग्स है जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अर्बोरियल एनिमल्स. अर्बोरियल एनिमल किसे कहते हैं? जो जानवर अधिकांश समय पेड़ पर रहते हैं उन्हें अर्बोरियल एनिमल कहते हैं. सम एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, दे आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स. मंकीज, ट्री लिजर्ड, फ्लाइंग स्क्विरल एंड ऑपोसम्स आर सम अर्बोरियल एनिमल्स. अर्बोरियल एनिमल कौन से बताए इसमें? मंकीज. बंदर अपना अधिकांश वक्त पेड़ पर रहते हैं इसलिए वो भी अर्बोरियल एनिमल है. ट्री लिजर्ड भी अधिकांश टाइम पेड़ पर रहते हैं. उसके बाद में फ्लाइंग स्क्विरल भी कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर पेड़ पर रहते हैं. एंड अपोसम्स, ये सब जानवर अधिकांश वक्त पेड़ पर रहते हैं इसलिए उन्हें अर्बोरियल एनिमल कहते हैं. दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हेयर गिरडल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग. क्लॉज मतलब पंजे, उनको पंजे होते हैं. दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप गिरडल्स. ब्रॉड हिप गिरडल्स यानी क्या? उनके कमर का पार्ट चौड़ा होता है जो उन्हें क्लाइंबिंग करने के लिए सपोर्ट करते हैं. अ मंकीज लॉन्ग एंड कर्ली टेल हेल्प्स इट टू स्विंग फ्रॉम अ ब्रांच. बंदर की लंबी और घुंघराली पूंछ उसे एक टहनी से दूसरे टहनी पर जाने में मदद करती है. सी द फिगर ऑफ अ मंकी. मंकी इज एन आर्बोरियल एनिमल विच स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन ट्रीज. मंकीज अपना ज़्यादातर वक्त पेड़ पर रहते हैं. अभी इनके आंसर्स बताइए. डैश लिव्स इन कोल्ड एरिया. हमें तीन ऑप्शन दिए हैं, पोलर बियर, कैमल, डियर. कौन सा जानवर कोल्ड एरियाज में रहता है? पोलर बियर इज द आंसर. पोलर बियर लिव इन कोल्ड एरियाज. सेकंड सेंटेंस, डैश इन फिश हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. मछली पानी में सांस लेने में किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? तीन ऑप्शन दिए हैं, गिल्स, लंग्स, एयर होल्स. कौन सा आंसर सही है इसमें? गिल्स इज द राइट आंसर. गिल्स इन फिश हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. मछली पानी में गिल्स का इस्तेमाल करती है ब्रीदिंग करने के लिए. थर्ड सेंटेंस, डैश एनिमल्स फ्लाई इन द एयर. कौन से एनिमल्स हवा में उड़ते हैं? हमें तीन ऑप्शन दिए हैं, आर्बोरियल, एरियल एंड एक्वेटिक. कौन सा आंसर है? सही आंसर कौन सा है इसमें? आंसर इज एरियल. एरियल एनिमल्स फ्लाई इन द एयर. नेक्स्ट पॉइंट, एडेप्टेशन फॉर फूड. एनिमल्स इट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. कुछ जानवर प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, या कुछ जानवर एनिमल्स खाते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. जिस प्रकार का फूड जानवर खाते हैं उस हिसाब से उन्हें चार ग्रुप में उनका वर्गीकरण कर सकते हैं.